और चलिए अगली खबर, जहां पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली और सनातन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फर्जी है और जिनके खिलाफ जनता में आक्रोश है और वो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, ये सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय को जवाब देना होगा। फर्जी आईडियो आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी फर्जी है, इससे फर्जी काम करवा रही है। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और जनता की सेवा की, जिससे हम जन आशीर्वाद मांगने निकले हैं और उनने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन, ये इंडी गठबंधन ये कहता है सनातन को खत्म कर दो। कौन सनातन को खत्म करे? सनातन का ना आदि है ना अंत, ही अनंत, हमेशा चलने वाला। डेंगू करे, मलेरिया करे, जो मन में आएगा वो कहो, ये सहन नहीं करेगा ना तो भारत और ना मध्य प्रदेश। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मैडम सोनिया गांधी बोलो, राहुल गांधी बोलो, कमलनाथ जी बोलो, दिग्विजय जी बोलो, क्यों बोलती बंद? या तो उनको गठबंधन के बाहर निकालो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ देके पूरे देश को अपमानित कर रहे हो। जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता में आक्रोश है तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश रैली निकाले, हम तो आशीर्वाद।